डिस्क्लेमर, शिवचंगा मलिक डज नॉट सपोर्ट एनिमल क्रुएल्टी और इलीगल एनिमल ट्रेड्स इन एनी वे। नो फिश और एनिमल वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। तो कैसे हो मेरे सारे फिश लवर्स भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था, हर फ्राइडे के दिन ओंकुरहाटी पेट मार्केट का वीडियो आप लोगों को अपलोड करूंगा। तो फिलहाल दोस्तों वही वीडियो बनाने के लिए मैं चला आया हूँ ओंकुरहाटी पेट मार्केट पे, जहाँ पे हमेशा की तरह आज भी मौली फिश का भंडार है। और वहाँ पे दोस्तों बहुत सारा वैरायटी का बेटा फिश भी आया था। बेटा फिश का क्या कुछ प्राइस है वो सब कुछ आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। और दोस्तों यहाँ पे नीमो कैंडी प्लैकेट्स भी आए थे अच्छा अच्छा वाला, कितना प्राइस में था वो तो आप लोगों को एक एक करके दिखा दूंगा। बाकी दोस्तों आज के दिन मेरा बेटा फिश का स्टॉक आने वाला है, मतलब आज दोस्तों रात को 1 बजे के टाइम पे थाईलैंड का जो फ्लाइट है वो लैंडिंग होने वाला है हमारा दमदम एयरपोर्ट पे। तो हमें रात को 10 बजे के टाइम पे वहाँ पे निकल जाऊँगा। तो आप लोगों को दोस्तों सब कुछ जो ब्लॉग है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, कौन कौन सा मछली आया है वो सब कुछ। और डिटेल में दोस्तों अगर आप लोगों को देखना है कौन कौन सा मछली आया है तो न्यू स्टॉक चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे डिटेल में दिखाऊंगा मछली का कैटलॉग वगैरह वहाँ पे ही आता है। न्यू स्टॉक जो चैनल का लिंक है वो फास्ट कमेंट पे दे रहा हूँ, जाके देख लेना। बाकी आज की इस वीडियो में क्या कुछ दिखाऊंगा वो तो आप लोगों को दिखा चुका हूँ। बहुत सारा कार्प आया था 6 रुपये के अंदर, जी हाँ दोस्तों ये सब जो भेल कार्प है वो सब 6 रुपये के अंदर आया था। और भी बहुत सारा वैरायटी का मछली है, एक एक करके बताऊंगा ना तो आप लोग शौक हो जाओगे। लाइक ये जो यहाँ पे गोल्ड फिश या फिर मिल्की का आप देख रहे हो, ये सबका जो प्राइस है वो 5 रुपये करके है। ऐसा ही दोस्तों बहुत सारा प्राइस है आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। और तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहो, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर देना, 100 लाइक का टारगेट है। चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, इस तरीके का वीडियो हर टाइम पे आता रहता है। और एक और बात दोस्तों भाई, लाइक से ज़्यादा कॉमेंट कर रहे हो तुम लोग, तो लाइक भी करो कॉमेंट भी करो, ऐसा कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो पर Q&A सेशन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो को फटाफट मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी बहुत काम है, आज नया स्टॉक आने वाला है इसलिए। तो हमेशा की तरह दोस्तों मैं आ चुका हूँ ओंकुरहाटी पेट मार्केट पे फ्राइडे के दिन एकदम सुबह सुबह का टाइम पे। मतलब आज तो सुबह सुबह का टाइम का नहीं था, आज मैं गया था वहाँ पे 10 बजे के टाइम पे, क्योंकि मैं नींद से उठने में थोड़ा सा देर हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले ही मछली का स्टॉल दिखा रहा हूँ, आगे आप लोगों को ड्राई आइटम भी दिखाऊंगा, जो बाट्स वगैरह सेल हो रहा है वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मछली वगैरह देख लो, यहाँ पे मोनो एंजल सेल हो रहा था 35 रुपीज़ पर पीस में। यहाँ पे कुछ पैरोट भी था, पैरोट का प्राइस था 150 रुपीज़ पर पीस। यहाँ पे एक ऑरेंज टाइप का येलो शेड में था, एक रेड कलर का था। यहाँ पे बिग साइज का ब्लैक मार्बल एंजल सेल हो रहा है। ये सब दोस्तों आप लोग बीडिंग भी कर पाओगे, इनका जो प्राइस था 40 रुपये, मतलब 40 रुपीज़ करके पर पीस था। ये सब एंजल अगर कोई खरीदते हो एक बार में, अगर 10 पीस खरीदोगे उसको अगर टैंक पे रख दोगे तो वो एक एक पीआर करके शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, आप लोग बीडिंग कर पाओगे। अभी ये जो जंबो साइज का ओरेंडा गोल्ड पीस देख रहे थे, इसका प्राइस था आप लोगों का 400 रुपीज़ पर पीआर। यहाँ पे बहुत सारा ब्लैक गोश्त दिख रहा है जो फेदर फिन है, उसका प्राइस था 75 रुपीज़ करके। यहाँ पे जो फ्लावर हॉर्न देख रहे हो ये 1.5 के रुपीज़, मतलब 1500 रुपये का प्राइस है। अब ये दोस्तों प्राइस मेरे को बोला है इतना रुपये में, ठीक है। कुछ दोस्तों लोग बोलते हो कि कोई खरीदने गया तो दूसरा प्राइस बोला, मेरे को पता नहीं ये लोग यूट्यूबर को ज़्यादा प्राइस बोलता है या फिर कम प्राइस बोलता है या फिर जो कस्टमर है उसको कम बोलता है, मेरे को या पता नहीं है। मेरे को जो जो प्राइस बोला गया है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे भी एक फ्लावर हॉर्न है, इसका प्राइस आप लोगों का 80 रुपीज़, मतलब 80 रुपीज़ बोल रहा हूँ, 800 रुपये, ठीक है, 800 रुपीज़। तो यहाँ पे बहुत सारा और भी गोल्ड फिश था, नीचे बहुत सारा ऑस्कर है। ऑस्कर का प्राइस दोस्तों 250 से स्टार्टिंग है। यहाँ का जो ऑस्कर है दोस्तों ये सब हार्मोन फीडिंग किया हुआ ऑस्कर है, जो रेड चिली ऑस्कर है, ये सब हार्मोन खिला के दोस्तों रेड चिली किया जाता है। जो मैंगो ऑस्कर होता है उसी को रेड चिली ऑस्कर किया जाता है हार्मोन खिला के, जो कि आप लोगों को अगर बड़ा करना है, एकदम बड़ा साइज़ का करना है तो उसके लिए कभी भी मत लेना, क्योंकि वो मछली ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों वुड फिश है 3 रुपये वाला, ज़्यादा लोगे तो 2.5 रुपीज़, मतलब 2.5 रुपये का एक, 5 रुपये का दो करके आ जाएगा। उसके लिए पूरा आप लोगों को पैकेट लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी बहुत सारा गोल्ड फिश है, ये सब गोल्ड फिश आप लोगों को मिल जाएगा 8 रुपये करके। यहाँ पे कुछ कोई का भी है, कोई का मतलब जो कार फिश है वो मिक्सिंग किया हुआ है। यहाँ पे मौली है, मौली को पता नहीं अंकिल क्यों ऐसे डिस्को कर रहा है, वो मौली फिश आप लोगों को 3 रुपये करके दे रहा था। और भी यहाँ पे दोस्तों गोल्ड फिश, मौली, ये सब भरमार है। यहाँ पे एक मौली का पूरा पैकेट सेल हो रहा था, यहाँ पे टोटल 50 पीस के आसपास मौली है। 50 पीस अगर पूरा ले लोगे आप लोग तो 150 रुपये में दे देगा, मतलब 3 रुपये करके। अगर आप लोग एक दो करके लोगे तो 5 रुपये करके दे रहा था। यहाँ पे दोस्तों लायर टेल मौली है, लायर टेल मतलब कैंची जैसा टेल होगा,
तो ये सब ला एयरटेल मॉल 8 रुपये करके पीस था। यहाँ पे और भी बहुत सारा गोल्ड पीस है, पानी थोड़ा सा धुंधला हो चुका है, तो ये सब गोल्ड पीस आप लोगों को 8 रुपये करके ही मिल जाएगा। उधर भी मॉली वगैरह है तो मैं उन लोगों को उठा के दिखा नहीं रहा हूँ, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे इन लोगों को। बाकी यहाँ पे दोस्तों बढ़ते हुए कुछ और भी मछलियाँ था, यहाँ पर देख सकते हो गोल्ड फिश है। ये सब गोल्ड फिश का प्राइस 6 रुपये करके था, 6 से 8 रुपये के बीच में, मतलब होलसेल का प्राइस था 6 रुपये और रिटेल का प्राइस था 8 रुपये करके। बाकी यहाँ पे भी और भी गोल्ड फिश है। ये सब दोस्तों गोल्ड फिश छाट है, ट्राई कलर ओरेंडा जो है उसका छाट निकला है, ठीक है। तो ये छाट गोल्ड फिश आप लोगों को 3 रुपये 4 रुपये करके मिल जाएगा, डिपेंड करता है होलसेल में ले रहे हो या फिर रिटेल में। बाकी यहाँ पे भी बहुत सारा गोल्ड फिश था, ये सब दोस्तों ट्राई कलर ओरेंडा का छाट है, उतना ही कम प्राइस में मिलेगा। अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारा सिम्प वाला अंकल के पास, जिसके पास बहुत सारा वेराइटी का क्रेफिश था, जिसको लॉबस्टर भी बोला जाता है। तो ये जो लॉबस्टर है इनका प्राइस था आप लोगों का 150 to 200, ठीक है। किसी का प्राइस 170 था, किसी का प्राइस 200 था, ऐसा करके था, बहुत सारा कलर था। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा वेराइटी का सिम्प लेके आया है। सिम्प में दोस्तों यहाँ पर रेड चेरी सिम्प है, उसके साथ योलो सिम्प है। इनका सिम्प का प्राइस 10 रुपये 15 रुपये 25 रुपये 40 रुपये ऐसा जाता है, ठीक है। तो ये सब सिम्प यहाँ पे अच्छा खासा क्वालिटी का है, देखो आप लोगों को देख के लेना पड़ेगा। कभी कभी एक दो सिम्प यहाँ पे मैंने देखा है ट्रांसपेरेंट क्वालिटी का है, मतलब जिसमें कलर नहीं है। कभी कभी पूरा पैकेट ही मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, कभी कभी एकदम लाजवाब धमाकेदार क्वालिटी का सिम्प आता है। तो आप लोग यहाँ से थोड़ा सा देख के ले सकते हो जो भी लेना चाहते हो। अभी यहाँ पर दोस्तों है गोल्ड पीस, मतलब हर एक बंदे के पास गोल्ड पीस है। ये दोस्तों ट्राई कलर ओरेंडा का ही गोल्ड पीस है। ये सब गोल्ड पीस आप लोगों को मिल जाएगा 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये के बीच में। 15, 20, 25 रुपये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर है, ठीक है। अभी यहाँ पे दोस्तों पूरा जो मैदान है वो अभी खाली है, क्योंकि आज थोड़ा सा बारिश हो रहा था और यहाँ पे भी बहुत सारा सेलर बैठा है। अभी हम लोगों का मॉली वाला जो अंकल है उसके पास थोड़ा सा मछली दिखाऊंगा। इनके पास तो हमेशा भाई मॉली फिश का भंडार है और मॉली फिश का पैकेज बना के इन्होंने रख दिया है। तो यहाँ पे जो भी आप लोग पैकेट झूलते हुए देख रहे हो, ये सब का प्राइस दोस्तों 30 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में है। जो जो पैकेट में आप लोगों को दिख रहा है ज़्यादा मछली है वो सब 50 रुपये करके है, और जो जो मछली में आप लोगों को 3, 4, 5 दिख रहा है वो सब आप लोगों का 30 रुपये करके है। यहाँ पे देखो दोस्तों व्हाइट कलर का लैटटेल मॉली, ये मॉली मैं पालने वाला हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगा उंगुराटी पेट मार्केट पर नेक्स्ट फ्राइडे को, मैं वो वाला मॉली खरीदने वाला हूँ। मॉली फिश का जो सब लोग वीडियो मांगते हो वही वाला मॉली फिश का आप लोगों को वीडियो दूंगा, किस तरीके से ब्रीडिंग वगैरह करना है। क्योंकि जब से मैं छोटा था वो व्हाइट कलर का लैटटेल मॉली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो पूरा फुल व्हाइट कलर का दो कैंची जैसा टेल वाला मॉली फिश होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो वाला मॉली फिश मैं पालने वाला हूँ। अभी यहाँ पे शॉर्ट टेल वगैरह भी था, शॉर्ट टेल का प्राइस 6 रुपये से लेकर 8 रुपये के बीच में था। वूड फिश का पूरा पैकेट लोगे तो आप लोगों को 10 रुपये में आएगा, 12 रुपये में आएगा, मतलब क्या ही बोले भाई, 2 रुपये 2.5 रुपये करके सेल हो रहा है। यहाँ पे बॉक मॉली था, बॉक मॉली का प्राइस आएगा 8 रुपये करके। मिक्स गप्पी है 2 रुपये का, मिक्स गप्पी देखो दोस्तों क्वालिटी देखो, जो सब लोग बोलते हो ना इंपोर्टेड गप्पी का प्राइस मैं 150 रुपये करके पीआर क्यों लेता हूँ, तो ये वाला गप्पी और मेरा वाला गप्पी में क्वालिटी ना जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, इसीलिए मैं प्राइस लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ जाओ क्या चीज़ है। यहाँ पे भी बहुत सारा गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश का प्राइस ऑन एन एवरेज भाई जो बोला आप लोगों को 8 रुपये 15 रुपये के बीच में है, ये सब छोटा वाला। बड़ा वाला लोगों तो 15, 20, 25 करके चल रहा था। यहाँ पे 2 रुपये वाला मॉली फिश भी है, और ये अंकल मैं वीडियो कर रहा हूँ देख के बहुत सारा कार्प मछली को एक साथ छोड़ रहा है ताकि मैं वीडियो कर सकूँ, क्योंकि सब लोगों के साथ मेरा अच्छा खासा रिश्ता है ना, सब लोग मेरे को वीडियो बनाने के लिए अप्रिसिएट करता है। मगर जब मैं गाली स्ट्रीट में जाता हूँ ऐसा नहीं होता है भाई, वो लोग खातिरदारी नहीं करता है, वो लोग मतलब भगा देता है भाई कि वीडियो करना मना है, चल हट यहाँ से ऐसा कर, मतलब ऐसा नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि दादा वीडियो करना यहाँ पे मना है, वीडियो मत करो। खैर तो मजाक की बात साइड पे, अभी यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों को गोल्ड पीस दिखा रहा हूँ। ये सब गोल्ड पीस जो बड़ा वाला देख रहे हो 200 करके पेयर था, जो मिल्की कप दिखाया वो सब आप लोगों को 6 रुपये करके था। मॉली फिश अभी आप लोगों को दिखा रहा था वो आप लोगों को 4-5 रुपये करके। ये रेड जो टाइगर बार्ब देख रहे हो ये आप लोगों को पूरा पैकेट मिल जाएगा 20 रुपये में, 6 पीस या फिर 6 पीस था शायद से। ये दोस्तों जेब्रा फिश का छाट है, जिसको ब्लू जेब्रा फिश बोल के सेल किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये करके। पूरा पैकेट ले लोगे तो 100 रुपये में दे देगा, 1 रुपये करके पीस आ जाएगा, मतलब 100 पीस है 100 पीस का 1 रुपये करके आएगा। यहाँ पे भी बहुत सारा मॉली फिश का भंडार है, मतलब हर एक सेलर के पास जा रहा हूँ तो मॉली फिश। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोल्ड डस्ट मॉली है, जिसका व्हाइट कलर के ऊपर येलो कलर का डस्ट है, और यहाँ पे भी गोल्ड पीस है, इसका प्राइस 12 रुपये करके था। ये वाला मॉली 10 पीस लोगे तो आप लोगों का आएगा 15 रुपये करके। यहाँ पे कचरा सेल हो रहा है, जानते हो भाई क्यों कचरा बोल रहा हूँ। तो चलो भाई आज की इस वीडियो पे कुछ ना कुछ कमेंट करने के लिए तो बोलना पड़ेगा, वरना तुम लोग गुस्सा हो जाते हो कि कमेंट करने के लिए क्यों नहीं बोला।
तो मैंने वहाँ पे कचरा क्यों बोला उस ड्राई फ्रूट को, आप लोग बताना क्यों बोला। बाकी जिन लोगों को नहीं पता है कचरा क्यों बोला, वो लोग जरूर से कमेंट सेक्शन पे डम्बो यार बेटा फिश लिख देना, क्योंकि अभी आप लोगों को डम्बो यार बेटा फिश दिखा रहा था। तो देखते भाई कौन कौन वीडियो के एंड तक देख रहा था। बाकी यहाँ पे जो भी सब बेटा फिश आप लोग देख रहे हो, सबका प्राइस बॉटल का जो मतलब जो डिब्बा है उसके ऊपर लिखा हुआ है। किसी का प्राइस 150 है, किसी का प्राइस 500 है, किसी का प्राइस 200, किसी का 250, और ओइचम वगैरह सब भी यहाँ पे मिल जाएगा। नीमो कैंडी भी है 500, 700, 800 करके। यहाँ पे भी एक नीमो कैंडी है, नीमो कैंडी यहाँ पे ये मेल है, मेल है। फीमेल यहाँ पे ज़्यादा सेल नहीं होता है, मैक्सिमम मेल सेल होता है, क्योंकि फीमेल जिन लोगों को ब्रीडिंग करवाना का है उन लोगों का ही मैक्सिमम सेल करता है। यहाँ पे बहुत सारे ओइचम है, और ये सब दोस्तों थाईलैंड का मछली है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, ठीक है। जो सब मछली आप लोग देखते हो कि एकदम लोकल क्वालिटी का है वो नहीं है, ये दोस्तों एकदम बढ़िया वाला क्वालिटी का है। तो जो सब लोग मेरे से पूछते हो कि भाई कोई पेट मार्केट से क्या मछली लेके हम लोग बीट करवा सकते हैं या फिर नहीं, तो भाई पूरा आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग अगर मछली अच्छे से देख के पहचान सकते हो तो भाई आप लोग आराम से कोई भी अच्छा मछली देख के आप लोग ब्रीडिंग करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को मछली पहचाना नहीं आता है ना, तो आप लोग कितना भी अच्छा फिश शॉप पे चले जाओ वहाँ से आप लोग खराब मछली ही खरीद के लाओगे। तो हमेशा दोस्तों देख के खरीदना, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे कितना बढ़िया बढ़िया मछली है, ऐसे ही दोस्तों शॉप से आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारा रेड कैप है, रेड कैप का प्राइस भी सेम था जो कि आप लोगों को ऑलरेडी बताया। यहाँ पे दोस्तों और भी, यहाँ पे कोको था अल्बाइनो कोको, ठीक है, ऑरेंज जिस टाइप का, वो 8 रुपये करके सेल हो रहा था। और यहाँ पर मैंने कुछ गप्पी फिश देखा, यहाँ पे गप्पी फिश का प्राइस 10 रुपये था। गोल्ड फिश हाँ सबसे सस्ता है, 8,500 साढ़े 8,500 गोल्ड फिश दीते पारबे ना। अच्छा ठीक आछे, होलसेल নিলে আরো কম, কিন্তু 1000 পিস দিতে হবে মিনিমাম 1000 পিস। আচ্ছা तो जिनके साथ अभी बातचीत हो रहा था उसका नाम था चंदन, तो वो मौली फिश वगैरह सेल करता है। किसी को भी अगर आप लोगों को बोल रहे थे ना कि आप लोग कि मेरे को नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, यहाँ का कोई सेलर का नंबर दे दो, तो ये चंदन जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था उसका नंबर मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। जो भी भाई लोग मौली फिश मंगवाना चाहते हो, भाई एक दो पीस के बाद नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम जो सब लोग 5-7 हज़ार का ऑर्डर देना चाहते हो आप लोगों को बाई ट्रेन में डिलीवर कर देगा वो चंदन, ठीक है, मेरा ही दोस्त है। तो उनसे आप लोगों को कांटेक्ट करवा सकता हूँ। जो लोग रिटेल में खरीदना चाहते हो एक दो मौली फिश, कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में उनको आप लोग परेशान करोगे। तो जिसको भी ज़रूरत है कमेंट करो, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे उनका नंबर दे दूंगा। वीडियो पे इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग भाई एक दो मौली के लिए उसको कॉन्टैक्ट करके परेशान करोगे जैसा मेरे को परेशान करते हो, तो इसीलिए दोस्तों मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे तरह एक दो मछली डिलीवरी नहीं करता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक भी बेटा फिश ऑर्डर देते हो तो मैं वो भी डिलीवर कर देता हूँ, मगर वो तो भाई एक मौली फिश के लिए डिलीवरी नहीं करेगा, ठीक है, वो ट्रेन से करेगा, जो भी डिलीवरी होगा वो ट्रेन से करेगा। बाकी आप लोग देख रहे हो भाई कितना सारा पक्षी है, पक्षी का प्राइस ऑन एन एवरेज बता दे रहा हूँ 200 रुपये से पीआर का स्टार्टिंग है, बजरी फ्रेंच ये सब, और जो लाभ बर्ड वगैरह है वो 1,500-2,000-4,000 तक चला जाता है। यहाँ पे जो डॉग का कुत्ता बोल रहा था, जो डॉग का गले में लटकाने वाला फट्टा वट्टा है वो सब सेल हो रहा है, पक्षी का खाना वाना भी सेल हो रहा है यहाँ पर। तो चलो भाई वो सब कुछ दिखा दिया है, मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।